यूएस सिनेमा मिरर 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 जायरा वॉशरूम है। 2200 रुपये तो आ जाए, बट यहाँ पर ना नीचे आने का बटन नहीं है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग और स्वागत है आप सबका इस धमाकेदार ब्लॉग में। मेरा नाम है अमन सिसोदिया। अच्छा, तो आज हम अपने पैसों से जाने वाले हैं मूवी देखने। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। आज हम जा रहे हैं यूएस सिनेमा में। मैं यूएस सिनेमा में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो पहले प्लान था साथ में कोई और जाने वाला है, मामा जी बेटे अरब जा रहा है, ताई का बेटा, तो चीज मुझे कैंसिल हो गया जाना। तो चलते हैं, 10:30 हो रहे हैं, 1 घंटा में पहले पहुँचना है वहाँ पे, 11:30 का शो है, और पता नहीं सिनेमा वही वाला है नया। तो बने रहना, हराम कमाई से सारे पैसे जीतेंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मत कर रहा हूँ ये सब, ओनली फॉर कंटेंट। 2000 years later. So guys, अभी हम आ रहे हैं लिफ्ट में, और काफ़ी बड़ी सी लिफ्ट है ऐसी, जैसे ABC में है नोएडा वहाँ पे। यहाँ से पहले सिनेमा ढूंढना पड़ेगा, ये मॉल बहुत बड़ा है और ये फर्स्ट टाइम आया मूवी देखने का, शुरू था काफ़ी दूर है, मतलब OD3 अलग है, OD2 अलग है, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। और टाइम भी हो गया, 15 मिनट बाकी है एंट्री। US सिनेमा, और ये समझ नहीं आ रहा है जो काम के साथ है, तो देख कर भैया देखो मिरर 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 जायरा वॉशरूम है। चलते हैं। तो भाई ऐसा कुछ इंटीरियर है एकदम बढ़िया, क्या करूँ इसका, क्या स्त्री 2 का रिव्यू देखेंगे इस वाले सिनेमा में। और ये सिनेमा इतना बढ़िया है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आया, और इतना प्यारा है, लुक वाइज भी अच्छा है, और टाइम जो हो गया है 11:21 हो गया, थोड़ी देर में शुरू होगी फिर चलते हैं। और फर्स्ट टाइम में आया मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कंटेंट यही रहूँ कि प्रीमियम आपको लोकेशन दिखाऊँ जहाँ हम अफोर्डेबल रेंज में जा सकते हैं, है ना भाई। हो गई है, अब एंट्री होगी हमारी 8:22 का। टाइम हो गया 11:23, एकदम फ्रंट सीट मिली है, तो आधी मूवी हमारी हो चुकी है, इंटरवल हो गया है, और काफी सही इंटीरियर है, बहुत अच्छा है। मूवी देख के आई, मूवी बहुत ही मस्त थी, और मतलब सिनेमा की क्वालिटी इतनी अच्छी, मैं 2 बार देख के आया था पहले स्त्री 2, तो वो देख के आया था मैं दूसरे मॉल में, तो वहाँ पे तो अलग था, और यहाँ पे इतनी अच्छी। और अभी हम यहाँ पे 17th फ्लोर पे हैं, और यहाँ से व्यू देखो पूरे नोएडा का, नहीं तो चक्कर भी आ रहे हैं यहाँ पे गिरना गाँव में साला नौटंकी। और ये भाई है, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, टावर एकदम मस्त है, सोच रहा हूँ ऐसी ऐसी लोकेशन ही ट्रैवल करूँ और वही चीज़ें ब्लॉग में ऐड करूँ। अभी ये हमसे, ये अभी हमारे से ऊपर है, अब हम जाएंगे ना 22 फ्लोर पे, तो ये हमसे नीचे हो जाएंगे, तो चलते हैं ऊपर। अब हम 22 फ्लोर पे तो आ जाए, बट यहाँ पर ना नीचे आने का बटन नहीं है, फिर यहाँ ये भगवान क्या जुलूम, बटन नहीं है। अब ये है था, अच्छा है बटन है, मुझे लगा बटन नहीं है यहाँ पे, और यहाँ से पूरा नोएडा दिखा देते हैं कहाँ पर आके बटन है, अगर ये बटन ही नहीं होता कैसे जाते हैं। तीन लिफ्ट है, टोटल बनती है, बहुत ही मस्त व्यू है यार एकदम, भाई लिफ्ट ऊपर ये नहीं आ रही मनु, ये तो 16 पे ही है, इसकी लिमिट 16 पे ही है, हमें स्टेयर से आना पड़ेगा नीचे। अब देखते हैं पहले यहाँ की हवा थोड़ी सी चेंज आ रहा है, बहुत ही क्योंकि बहुत बढ़िया है, अच्छा मगर हफ्ता था, तो हम नीचे आ जाए बना तो ऊपर ही फंस जाते, तो अभी देखो यहाँ से दिख रहा है अच्छा ऐसा व्यू, तो ये हमारे बराबर पे ही है। और सर बताओ, मुझे हाइट से इतना ज़्यादा डर है ना, बहुत ज़्यादा। तो बोलो भाई, ये है नोएडा का गोल चक्कर, यहाँ बहुत सारे ऐसे बने पड़े हैं, ये वाला मॉल घूम लिया बहुत अच्छा, इंटीरियर भी इतना ज़्यादा और सेवा इतना अच्छा। अब लिफ्ट आ गई है, लिफ्ट में चलते हैं दूसरे मॉल, वहाँ जो नगदी पे आ रही है उस खाली पेट है यहाँ पे सुबह से, और प्लान था किसी और का, मेरा और किसी और से आने का, फिर 2-3 बंदे और बीच में आए, फिर मैं अपने बाइक भी ले आया, मेरे साथ ही चले जाते, तो चलते हैं, लिफ्ट आने वाली है। गाइस पार्किंग में बाइक ही नहीं मिल रही, इतनी बड़ी पार्किंग है,
वहाँ से निकल के दूसरे में वो ला गए, यहाँ पे हम आए हैं खाना और पहले अपने मॉल होते हैं। ये है गोवर सिटी सेंटर मॉल, नोएडा का मेन मॉल ये वाला। अभी इस मॉल के अंदर खाना खाने के बाद यहाँ पे लगे पड़े हैं सारे आर्ट क्राफ्ट। ये है जामा मस्जिद का, बहुत ही बेहतरीन है ये काशी विश्वनाथ। यार पेंटिंग्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारी पेंटिंग कृष्ण जी की है, मोस्टली कृष्ण जी दादा रानी की पेंटिंग। तो टैग देख रहे हैं और यहाँ जाता है PS5 देना पड़ेगा मुझे। तो गाइस वहाँ से लिया हमने कुछ भी नहीं, हम गए थे सिर्फ देखने और पूरा दिन खत्म हो गया है। तो कहाँ पर ये रही, तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। कैसा लगा व्लॉग बता देना और कैसी लगी लोकेशन, बहुत अच्छा सिनेमा हॉल है, एक बार जरूर आना यहाँ पे। और यहाँ से अपनी बाइक ले जाए, हम चलते हैं अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, काफ़ी सही चल रही है आराम से।